जो व्यक्ति छोटे आकार के देखभाल करने में आसान पालतू पक्षी के तलाश में है, उनके लिए लाइनियोलेटेड वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। उन्हें कैथरीन पैराकेट, लाइनी और बॉर्ड पैराकेट के नाम से भी जाना जाता है। बॉर्ड नाम इनके पंखों में मौजूद लाइनों के लिए रखा गया है। वे पालतू तोते के परिवार में सबसे शांत और कम शोर मचाने वाले पक्षियों में से एक है। उनके स्नेही प्रकृति और अच्छे से स्पष्ट बोली बोलने की क्षमता उनको पालतू तोते के रूप में लोकप्रिय बनाते हैं। इन पक्षियों को कई लोग पहली नजर में बजी समझ लेते हैं, लेकिन लाइनीज बजीज के तुलना में थोड़े चौड़े और मोटे दिखते हैं आकार में, और बजीज के विपरीत इन पक्षियों को उड़ने में जितना मजा आता है उतना ही जमीन पे चलने में भी मजा आता है। लाइनीज अपना सर थोड़ा नीचे करके जमीन के समांतर चलना या फिर बैठना पसंद करते हैं, जबकि बजीज की प्रजाति अपने सर को सीधा खड़ा करके बैठते या फिर चलते हैं। लाइनीज पानी में खेलना पसंद करते हैं। बजीज, लबबर्ड्स और पैटलेट्स स्वभाव से थोड़े आक्रामक होते हैं, पर लाइनीज इनके तुलना में काफी मीठा और शांत स्वभाव के पक्षी होते हैं। ये पक्षियां मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका से ओरिजिनेटेड हुए हैं। वे 6 से 7 इंच तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन 42 से 52 ग्राम्स की होती है। लाइनीज का जीवन काल 10 साल की है, पर अगर उनका सही से ख्याल रखा जाए तो कुछ कुछ लाइनीज 15 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। अगर इनको बचपन से हाथ से खिला के ट्रेन करके ठीक से देखभाल करके बड़ा किया जाए तो वे काफी अच्छे स्वीट और लविंग पेट्स बन जाते हैं। वे स्वभाव से काफी ज्यादा सामाजिक पक्षी है और वे अपने ह्यूमन फैमिली के हर एक सदस्य के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। ये पक्षियां बजी या फिर लबबर्ड्स के आकार के होते हैं और उनसे कई ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। ये मजेदार पक्षियां काफी सोशियल और एंटरटेनिंग होते हैं, जो हमेशा अपने ओनर्स के साथ खेलना या फिर उनके साथ इधर उधर घूमना और कडल करने में बिजी रहते हैं। इन पक्षियों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इनको लेने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास हर रोज काफी ज्यादा समय हो अपने पालतू लाइनीज के साथ बिताने के लिए, क्योंकि लाइनियोलेटेड पैराकेट आसानी से बोर हो जाते हैं और उनको रोजाना पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। एक लाइनियोलेटेड पैराकेट की प्राकृतिक आवाज काफी सॉफ्ट और मधुर होते हैं, जैसे कि वे कोई गाना गा रहे हैं। ये पक्षियां काफी बुद्धिमान भी होते हैं और वे सीटी मारने के साथ साथ बातें भी करना सीख सकते हैं। क्योंकि ये प्रजाति काफी शांत होते हैं, इसलिए आप इनको आराम से अपार्टमेंट में भी रख सकते हैं और आपके पड़ोसी को भी इनसे कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ये चंचल पक्षियां दूसरे पालतू तोते के प्रजाति के तुलना में ज्यादा चिल्लाते नहीं है। वे कर्कश आवाज में शोर नहीं मचाते और बातें ज्यादा करना पसंद करते हैं, पर बड़े तोते के मुकाबले इनके वोकैबुलरी सीमित होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के आवाजों का और सीटी का भी नकल काफी अच्छी तरह से कर लेते हैं। सामान्य तौर पर पर्याप्त एक्सरसाइज करने के लिए एक लाइनियोलेटेड पैराकेट को प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पिंजरे से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इस समय ये सुनिश्चित करे कि आपका पक्षी एक बर्ड प्रूफ सुरक्षित जगह में खेल पाए और उड़ सके, कोई भी दरवाजा या फिर खिड़की खुला ना छोड़े और कोई दूसरा पालतू जानवर उस समय घर में ना रखे। जंगल में ये पक्षियां ज्यादातर हरे रंग के देखा जाता है और उनके पीठ, पंख और किनारों में काले और गहरे हरे रंग के विभिन्न आकार के लाइंस रहते हैं। उनके पंख के नीचे का भाग नीला और उनके पूंछ के पंख गहरे हरे रंग के होते हैं। उनके आंखें भूरे रंग के होते हैं और उनका चोंच हॉर्न कलर्ड के होते हैं। पिंजरे के अंदर ब्रीड किया गया लाइनियोलेटेड पैराकेट्स काफी सारे रंगीन म्यूटेशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि कोबल्ट, ब्लू, ल्यूटिनो, वायलेट, टर्कोइज, मॉ, क्रीमिनो, सिनेमन, गोल्डन, पाइड और सिल्वर। कुछ कुछ म्यूटेशंस में उनके पंखों में मौजूद विभिन्न आकार के लाइंस बहुत ही हल्का होते हैं। दिलचस्प रूप से बजीज और लाइनीज उनके पंखों में मौजूद गहरे रंगों वाले लाइंस के संबंध में बिल्कुल विपरीत होते हैं। आमतौर पर एक बजी
जितना कम उम्र का होगा उतना ही गहरा लाइंस उनके पंखों में आप देख पाएंगे। पर लाइनीज के पंखों में मौजूद लाइंस उम्र के साथ अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। नर और मादा लगभग एक जैसे दिखते हैं, पर अगर बारीकी से देखा जाए तो नर के पंखों में काले लाइंस ज्यादा रहते हैं मादा के तुलना में। ये छोटे पक्षी है इसलिए इनको बहुत बड़े पिंजे की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि बड़ा पिंजरा हमेशा हर एक पक्षी के लिए बेहतर होता है। एक लैनियोलेचित पक्षी को रखने के लिए 24 इंच का स्क्वायर शेप पिंजरा ही काफी होता है, बशर्ते आप प्रत्येक दिन इनको पिंजरे के बाहर निकाल के उड़ने और खेलने के लिए पर्याप्त समय दें। ये पक्षियां एवियरी के वातावरण में भी दूसरे लाइनीज या फिर उनके जैसे छोटे पक्षियों के साथ अच्छे से रह पाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इतने सारे लाइनीज एक साथ थोड़ा शोर मचा सकते हैं। हालांकि ये पक्षियां चीजों को उतना नष्ट नहीं करते हैं, लेकिन लाइनीज भी दूसरे पालतू तोते के जैसे थोड़ा बहुत लकड़ी से बने चीजों को चबाना पसंद करते हैं। इसलिए अपने पक्षी को बहुत सारे चबा के नष्ट करने वाले सुरक्षित लकड़ी से बने रंगीन खिलौने और प्राकृतिक लकड़ी के ब्रांचेस देना ना भूले। अगर वे बड़े एवियरी के बदले छोटे पिंजे में रखा गया है तो ये सुनिश्चित करें कि उनको हर रोज कुछ घंटे के लिए पिंजे के बाहर निकाल के आपके घर के हर एक सदस्य के साथ घुल मिलने देना आवश्यक है। अन्य तोते के जैसे लाइनियोलेटिड के प्रजाति भी एक ऐसी किशोरावस्था से गुजरते हैं जहां वे थोड़े आक्रामक बन जाते हैं और काटने आते हैं, लेकिन ये समय जल्द ही गुजर जाता है और आमतौर पर इस समय के दौरान आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे पक्षी है इसलिए उतना गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये समय खत्म हो जाने के बाद वे काफी अच्छे और स्नेही पालतू पक्षी बन जाते हैं। वे साप्ताहिक या फिर दो दिन के अंतराल में नहाना भी पसंद करते हैं, इसलिए आप उनको ल्यूक्योम वाटर से स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ इनके पिंजे में एक बड़ा बॉल नहाने के लिए भी रख सकते हैं, पर उनके पानी हर रोज बदलना ना भूले। नहाने के बाद सुनिश्चित करें कि आपके पक्षी अपने आप को आराम से सुखा पाए। इस दौरान उनको किसी ठंड जगह में ना रखें। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।